आज 7 दिसंबर 2018 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष अमावस्या है दोपहर 12:50 तक और उसके बाद मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। ज्येष्ठ नक्षत्र है देर रात 6:06 तक और उसके बाद मूल नक्षत्र है। आज चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 6:06 पर। आज अमावस्या है और व्रतोपवास। मेष राशि वालों की कुछ समय से जिंदगी की रफ्तार कम हो गई थी जैसे, और आपकी मेहनत पर भी असर आ गया था। अब पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का समय। अपने मन में बिठाई हुई दुविधाएं भी अब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हर छोटी बात को लेकर किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हो सकती हैं आपके मन में। किसी की कही हुई बात शायद आप समझने में असमर्थ हो। किसी चीज़ का बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ सकता है जिसे संभाले रखने की ज़रूरत है। अपने असंतोष को तो मन से हटाना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के अंदर काबिलियत भी है और कुछ बेहतर करने का जज्बा भी है, लेकिन मेहनत उस रूप से नहीं उभर पा रही जिसकी इस समय ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने अपने मन में असंतोष पैदा कर रखा है जिसे हटा देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? पारिवारिक खुशियाँ बनाए रखने का समय है। लोगों से मिलती हुई प्रेरणा से आप अपनी ज़िंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। धीरे धीरे उन परेशानियों को मन से हटाना पड़ेगा जिन्होंने आपके मन में जगह बना रखी। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अगर ज़िंदगी में तनाव बना रहे तो बहुत कुछ बिगड़ता चला जाता है। आपने भी अपने मन को दुखी करके हालात को बिगाड़ा ही है, इसी वजह से किसी प्यार के रिश्ते की ओर एक तरफा झुकाव बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की नाराजगियां बनी रहेंगी तो अपना मन भी दुखी रहेगा और ज़िंदगी का लक्ष्य कहीं पीछे छूटता चला जाएगा। ज़िंदगी में खुश रहना और लोगों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। कर्क राशि वालों की किसी प्यार के रिश्ते की ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं और कुछ भी पाने के लिए आप अपनी कोशिशों को भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, पर इस समय की सच्चाई यह है कि आपके विचारों में या आपकी उपलब्धियों में फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे की स्थिति का सही इस्तेमाल करना होगा। रिश्तों को संभाले रखने के लिए भी अपनों के लिए बहुत कुछ करना होगा। घर परिवार की खुशियां इसी प्रयास से बनी रहेंगी। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज के दबाव को संभाले रखने में कोई कमी ना रखें। अपने मन में परेशानियों को बढ़ाते चले जाने से जिंदगी के दबाव बढ़ेंगे और इस समय यही ठीक नहीं। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि अपनों के प्रति पैसे से जुड़े जो भी कर्तव्य हैं उन्हें बखूबी निभाना होगा और आपके पैसे की स्थिति आपको इस समय पूरी तरह से मदद करेगी कि वो आप सब कुछ कर पाएं जो आप करना चाह रहे हैं। फिर भी दूर स्थान के विकल्प आपको परेशान करते चले जाएं, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी के प्रति आपका समर्पण इस समय बहुत जरूरी है। घर परिवार में अपनों को समझना होगा और काम के प्रति भी अपनी तवज्जो बनाए रखनी होगी। ऐसा करने के लिए आपको वक्त निकालना होगा और ये सब कुछ इस रूप से करें कि आपका भरोसा जगा रहे और आपकी जिंदगी की खुशियां बनी रहे। कन्या राशि वालों के लिए प्रेरणाजनक समय है जो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। जिस भी कार्य में रुचि है उसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए जिस काम में सफलता पानी है उसमें रुचि भी पैदा करनी होगी। एक चीज से दूसरी चीज सुंदर तरीके से जुड़ी हुई है जिसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी यात्रा या बदलाव से जुड़े विचार फिलहाल थामने होंगे क्योंकि हो सकता है आपके सपनों को पूरा होने में कोई ना कोई कमी रह जाए। इसलिए किसी भी योजना को बनाने से पहले बहुत सारे विचार विमर्श करने होंगे ताकि सही फैसले उभर कर आ सके। तुला राशि वाले ही समझ लें कि हालात मददगार होने के बावजूद बढ़ते हुए खर्चों का असर आपकी बचत पर पड़ सकता है, इसलिए रोजमर्रा की परिस्थितियों को भली भांति संभाले रखने की जरूरत है। सिर्फ पैसे का न सोचकर अपने काम के प्रति लगन पैदा करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को हटाना पड़ेगा। हर चीज को अच्छाई की नजर से देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसा भी समझ में आएगा जो आपके हित में ही बनता चला जा रहा है। अपने पैसे को भी सही दिशा में लगाने की कोशिश करनी होगी। वृश्चिक राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है और आपको इस बात का भी आभास है कि आपने पैसे को बहुत बर्बाद किया। भविष्य के लिए आपको इस बात को समझना होगा ताकि सही फैसले किए जा सके। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति आपकी लगन मांगती है। बहुत कुछ अपनी मेहनत और तवज्जो से ही बन पाएगा। अपने फोकस को बनाए रखने से बड़ी उपलब्धियों को पाना आसान हो जाएगा। धनु राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि कामकाज की स्थिति बहुत ज्यादा तवज्जो मांगती है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि यह अस्थिरता भरा समय है। मन भी कई चीजों को लेकर परेशान सा है
और मन का भटकाव भी इंसान से गलतियां करवा देता है। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर को आजमाने से बचना होगा और किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से पहले ये सोच लें कि उसमें कितना नुकसान हो सकता है, ताकि अपनी स्थिति को आप संभाले रख सकें। मकर राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और धन आगमन बना हुआ है। तकदीर की अच्छी भूमिका आपके लिए कई तरह की उपलब्धियों के रास्ते खोल रही है। पैसे के लेन देन को फिर भी भली भांति समझना होगा, क्योंकि अनजाने में भी अगर कोई पैसे का दबाव बढ़ता चला जाए तो फिर वो ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह की अच्छी संभावनाएं आपके लिए खुल रही हैं और अचानक धन लाभ का योग भी बना हुआ है। लोग भी अब आपकी बात को समझना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या ना करें समय में? सिर्फ ये ना सोचें कि पैसा कमा लेना ही सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर कोई ना कोई चीज़ हाथ से फिसलती चली जाए तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए अनजाने में भी अपने लिए नुकसान की स्थिति ना बनाते चले जाएं। कुंभ राशि वालों को ये समझना है कि अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत को अपने काम में लगाने से लाभ होगा। जिंदगी के जो भी दबाव हैं उन्हें भी संभाले रखेंगे तो जिंदगी आप पर मुस्कुराएगी और आपके लिए बड़ी सफलता के द्वार खुल जाएंगे। लोगों की अच्छी बनती हुई भूमिका भी आपको हर तरह से मदद करेगी। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से तालमेल बनाए रखना इस समय आपकी प्राथमिकता होगी और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी तवज्जो को बहुत ऊंचे स्तर का ले जाना होगा। ऐसे में अपने काम में पैसे का निवेश करने की भी जरूरत पड़ सकती है। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में अपनों का साथ बना हुआ है और हर तरह की खुशियां भी आपके लिए आपकी जिंदगी को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। हालात हर तरह से मददगार हैं, जो आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियों को उजागर कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में कोई ना कोई तनाव फिर भी बना रह सकता है, जिसे संभालने की जरूरत है। अगर विचारों का मतभेद रहेगा तो परेशानी उत्पन्न होगी, इसलिए भी बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा ताकि हर रूप से आपकी अच्छाई बनी रहे और लोग उसे समझ पाएं।